कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है जो कि प्लानिंग कमीशन से जुड़ा हुआ है। हम लोगों का नीति आयोग से संबंधित हम लोगों का टॉपिक है। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि भारत सरकार जो है कैसे अपने कार्यों को संचालित करती है, विकास कार्यों को किस तरह से संचालित करती है और कौन सी संस्था ऐसी है जो कि मूल्यांकन करती रहती है कि प्रत्येक वर्ष कितना विकास हुआ। जैसे आप लोग सुनते हैं कि वर्तमान समय में इतनी जीडीपी है, भारत की जीडीपी इस रूप में है, हमारे ग्रोथ रेट इस रूप में है, किसी ऑल ओवर इंडिया का देखते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड का देखते हैं आप, तो उसमें आपको ग्रोथ रेट दिखाता है। इंडिया लेवल पर देखेंगे तो स्टेट्स का दिखाता है, बताता है, या सरकारें कहिए कि जो एक प्लानिंग करती हैं, जो योजनाएं बनाती हैं, उसके तहत जो उनके आय और व्यय का के आधार पर सारी चीज़ें होती हैं, जितना वो टैक्स के रूप में जनता से पैसे लेती हैं, बदले में वो निर्माण के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, कुछ सहायता राशि के रूप में, सब्सिडी के रूप में बहुत सारे धन को वो खर्च कर देती हैं। तो आज का जो विषय है वो काफ़ी अर्थव्यवस्था से जुड़ा होने के नाते काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। जैसे हम लोगों ने बाकी के लास्ट टॉपिक्स देखे, काफ़ी अच्छे और रोचक तत्व थे और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे, उसी तरह से ये टॉपिक भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम लोग नीति आयोग के साथ साथ आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस विषय को और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे इसकी संरचना हुई और कब कब यह अस्तित्व में रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि योजना आयोग कोई ऐसा निकाय हुआ करता था कभी, यानी कहिए कि जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले की अगर हम बात करें, यानी पिछले इतिहास में हम जाएं तो 6-7 साल पहले अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर दिखाई देता है हमको कि कोई ऐसी संस्था थी जो कि प्लानिंग का जो वर्क करती थी उसके हाथों में थी। यानी कि आज हमारे यहाँ जो नीति आयोग के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले किसी और संस्था के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसे हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। योजना मतलब प्लानिंग। तो सरकारें क्या करती हैं, एक पूरे वर्ष का एक खाका मेंटेन करती हैं और वर्ष के साथ साथ ये अपनी जो 5 वर्ष के इनका जो सेवाकाल होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट जब चुन करके आती है तो वो 5 साल के लिए ही भारतवर्ष में जो व्यवस्था है 5 वर्ष के लिए रहती है। तो हर सरकार के लिए पहले जो प्लानिंग हुआ करती थी वो 5 वर्षीय प्लानिंग हुआ करती थी, यानी कि हम 5 वर्ष में जो सरकार चुन करके आती थी वो अपने एजेंडों को लेकर के आती थी और एजेंडों के आधार हुआ करते थे कि हम चुनावी मुद्दों में उस बात को वो प्रॉमिस करते थे जनता से कि हम आने के बाद सरकार में ये योजनाएं लाएंगे, इस तरह की व्यवस्था करेंगे। फिर उसी हिसाब से वो अपनी योजना आयोग को अपनी बातें बताते थे, योजना आयोग उसी हिसाब से प्लानिंग करता था 5 साल के लिए और प्रत्येक वर्ष उसका मूल्यांकन होता था। फिर आगे योजनाओं में कुछ कमी या उसमें वृद्धि की जाती थी, साथ ही साथ बीच में जो ज़रूरत पड़ने पर उसमें कुछ इम्प्लीमेंट भी किए जाते थे, कोई आपदा आ जाने पर भी उसके आधार पर चीज़ें बदलती रहती थी, परिवर्तित होती रहती थी। बहरहाल आज भी वही होता है, आज भी वही ऐसी ही चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क हो गया है, नाम में परिवर्तन हो गया है, थोड़ी सी कार्यशील जो कार्यशैली है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कह सकते हैं हो गया है, मूल रूप से यही हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारतवर्ष में कब आया, या आज़ादी के बाद आया या आज़ादी से पहले आया था। ठीक है, तो कोई भी चीज़ एक दिन में तो आती नहीं है और भारत में जो है अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय अंग्रेज़ों का जो शासन था वो बड़े सिस्टमेटिक वैसे सारे शासन संचालन को कार्यों को करते थे। तो वे लोग प्लानिंग कमीशन के बारे में भी उनकी कुछ प्लानिंग थी, लेकिन साथ ही साथ भारत की जो कांग्रेस थी, राष्ट्रीय कांग्रेस, वे या इसके अलावा जो बड़े अर्थशास्त्री रहे या कुछ
जो एक तरह से कहिए कि व्यापारी वर्ग जो थे उन्होंने भी कुछ संगठनों का निर्माण किया जो कि आर्थिक विकास के लिए भारत के आर्थिक विकास में सहयोग के रूप में कार्य किया। फिर आगे चलने के बाद जब देश आज़ाद हो जाता है तो फिर नीतियाँ बनने लगती हैं, नीति योजना आयोग का गठन किया जाता है। ये तमाम सारे पहलू पहले इतिहास पर देखते हैं कुछ तथ्य के आधार पर जो एग्ज़ाम में तथ्य पूछता है। भारत में नियोजन द्वारा आर्थिक विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने मतलब जो है पेश की थी या लाई थी, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये टॉपिक आपका तथ्यात्मक भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस नाते इसको सीरियसली देखिएगा और इसकी नीति को समझने की कोशिश करिएगा। भारत में नियोजन तथा आर्थिक विकास की अवधारणा सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक भारत के लिए नियोजन नियोजित अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1933 ईस्वी में, अभिव्यक्त हुई थी। सबसे पहले जिसे आर्थिक नियोजन का जो विकास है, यह जो अवधारणा जो विकास हुआ भारत में सबसे पहले, वो एम विश्वेश्वरैया महोदय की जो पुस्तक थी जिसका नाम था भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, इनकी पुस्तक का नाम था, जिसमें इन्होंने भारत के लिए एक प्लानिंग करने की सबसे पहले अवधारणा दी थी 1933 ईस्वी में, ठीक है, जो इनकी पुस्तक आई थी। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का आरंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ मूल रूप से देखा जाए। अगर भारत आज़ादी के बारे में बात करेंगे तो आज़ादी में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है जब भारत आज़ाद हो जाता है 1947 के बाद, और जो योजनाएं इनकी क्रियान्वित तो सरकार चुन करके आती है, इलेक्शन हो जाते हैं और 52 से सरकार अपना कार्य संचालित करने लगती है, तब से पहली प्लानिंग वहीं से स्टार्ट होती है भारत की, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। तो वो आर्थिक विकास का आरंभ क्या पंचवर्षीय योजना के रूप में देखें तो भारत में तभी से शुरू होता है। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि 5 साल के लिए सरकार चुन के आती है, तो पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ आज़ादी के बाद से जब चुनाव होकर के नई सरकार गठित हो जाती है तब से मूल रूप से होता है, ठीक है, यानी पंचवर्षीय की योजना के साथ भारत का विकास प्रारंभ होता है। इसके अलावा अगर बात करें उसके आज़ादी के पहले की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़ी संस्था थी जो भारतीय के हितों को लेकर के संघर्षरत थी, ने भारत में आर्थिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपको कि राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आर्थिक नियोजन के लिए आज़ादी से पहले कौन सी विकास योजना लाई गई थी, तो राष्ट्रीय विकास योजना समिति का गठन किया गया था, ठीक है, जिसका गठन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी और 1938 में यह गठित की गई थी योजना, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में, क्लियर, तथ्य ये हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके अलावा बम्बई प्लान के बारे में देखिए कि बम्बई के कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर के एक मुंबई प्लान बनाया था, बॉम्बे प्लान के नाम से जिसे जाना जाता है, 1944 में था, ये भी एक आर्थिक विकास की योजना ही थी, ठीक है। तो बॉम्बे प्लान के बारे में भी आप लोग देख लीजिए। फिर इसके अलावा तैयार की गई थी, और इसके अलावा 1944 में तैयार की गई श्री मन्ना रायण द्वारा गांधीवादी योजना भी आर्थिक विकास से संबंधित थी। तो पूछा जा सकता है गांधीवादी योजना किससे संबंधित थी, तो आप बता सकते हैं इसमें श्री मन्ना रायण द्वारा स्टार्ट की गई थी, आर्थिक नियोजन से संबंधित एक प्लानिंग थी, कमीशन था, एक तरह से कहिए एक समिति थी, ठीक है। तो ये है। फिर इसके अलावा फिर आप देखेंगे 1945 में M.N. राय द्वारा निर्मित, 1945 में M.N. राय द्वारा निर्मित जनवादी योजना तथा ये जनवादी योजना जो है यह भी एक तरह से प्लानिंग ही थी, ठीक है। सारी यहाँ पे जो लिखी गई है बच्चों सारी प्लानिंग ही है, ठीक है, ये योजनाएं हैं। तो 1945 में M.N. राय द्वारा निर्मित जनवादी योजना जो थी यह भी प्लानिंग कमीशन मतलब एक तरह से कहिए प्लानिंग ही थी, विकास के लिए थी, ये आज़ादी के पहले की सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा 1946 में गठित केसी नियोगी समिति, जिसके बारे में आप देख रहे हैं केसी नियोगी समिति के आधार पर ही योजना आयोग का गठन हुआ था, और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी केसी आयोग अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। तो ये वही केसी नियोगी जो समिति है वो वही है जिसके तहत मैंने बताया योजना आयोग का गठन हुआ और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन इसी योजना के तहत ही किया गया था। तो ठीक है, 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की सिफारिश भी नियोजित आर्थिक विकास से ही संबंधित है। आर्थिक नियोजन से ही संबंधित 1950 में जयप्रकाश नारायण की एक योजना आई थी जिसे कहा जाता है सूर्योदय या सर्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। तो इससे भी आप सोच सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने 1950 में जो योजना दी थी किससे रिलेटेड थी, तो आर्थिक विकास से। ये तो कुछ तथ्य वाली बातें थी
जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिए हुए थी और इसको जानना बहुत ज़रूरी था। आइए हम प्लानिंग कमीशन के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं और समझते हैं क्या कैसे क्या रहा है और प्लानिंग कमीशन क्या, आज जो हम लोग नीति आयोग देखते हैं नीति आयोग को, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, नीति आयोग के नाम से जैसे संक्षेप में हम लोग नीति आयोग कहते हैं, ये क्या है, कब से अस्तित्व में आया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत आज़ाद होने के बाद में जब संविधान लागू हुआ और सरकारें बनी और अपनी क्रियाएं संचालित करने लगे तो विकास के एजेंडे को लेकर के एक समिति गठित की गई थी जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जिक्र किया था 1946 में जो गठित थी, केसी नियोगी समिति 1946 में गठित की गई थी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया था। 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संस्थिति के आधार पर भारत में 15 मार्च 1950 को एक गैर सांविधिक निकाय के तौर पर, यानी कि शुरुआत में संविधान जब निर्माण हुआ था तब ये निकाय उसमें जिक्र नहीं था, बाद में इसको संसद के द्वारा सरकार के द्वारा उसको गठित करके कानून बनाया गया और संविधान में उसको स्थान दिया गया। इसे एक तरह से कहिए कि इसी नाते इसको गैर सांविधिक निकाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वे सभी एक तरह से कहिए योजनाएं या नीतियां जो संविधान के मूल संविधान में न वर्णित हों और बाद में उसको समय के साथ उस संविधान में स्थान दे दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, गैर सांविधिक संस्था के रूप में। ठीक है, तो 15 मार्च 1950 को एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदाती इकाई के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो तिथियां थोड़ी सी याद रखिएगा, हालांकि ये पुरानी चीज़ें हैं लेकिन अगर आप मेंस लिखेंगे जब तो इसमें आपको तथ्यों का होना ज़रूरी है। जब आप नीति आयोग के बारे में बताएंगे तो आपको थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी आपको जिक्र करना होगा। ठीक है, तो 15 मार्च 1950 को एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री इकाई के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया। भारत में प्रधानमंत्री इसके मतलब जो योजना आयोग होता था इसके जो पदेन अध्यक्ष जो हुआ करते थे प्लानिंग कमीशन के, वो प्रधानमंत्री होते थे। उसी तरह से नीति आयोग आज भी आप देखते हैं तो ये पदेन अध्यक्ष ही होते हैं, तो यानी कि नीति आयोग या उसके पहले जो योजना आयोग था उसके भी प्रधानमंत्री क्या होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। ठीक है, तो ये तो उसके इतिहास के बारे में था। पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा इस आयोग का एक उपाध्यक्ष, ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आज भी वर्तमान स्वरूप में भी इसी स्वरूप में ही है, नीति आयोग में भी इसका एक उपाध्यक्ष, ठीक है, इसके अलावा तीन पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपके इसके आप देखेंगे कि एक तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, एक उपाध्यक्ष इसको आपको मिलेगा और 3 पूर्णकालिक सदस्य और 1 अंशकालिक सदस्य। तो इस तरह से अगर देखा जाए प्रधानमंत्री को लेकर के कुल टोटल 8 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, कुल टोटल सदस्यों की संख्या 8 हो जाएगी, 3 पूर्णकालिक और 3 अंशकालिक सदस्य हो जाएंगे, एक उपाध्यक्ष होगा और एक अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए 7 सदस्य निकाय है, अध्यक्ष को भी ले लेते हैं तो 8 सदस्य निकाय के रूप में ये कार्य करता था। आज भी स्थिति में क्या परिवर्तन है वो भी देखेंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे इस जो समिति है, यानी कि 3 सदस्य जो पूर्णकालिक और 3 अंशकालिक हैं सदस्यों में, इनमें 3 आपका मंत्रालय यानी वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, ये 3 इसके पदेन सदस्य के रूप में रहते हैं। ठीक है, इसकी हमेशा अध्यक्षता में इसमें बने रहते हैं। तो वित्त, रक्षा और गृह मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं, अभी मैंने आपसे जिक्र किया। ठीक है, यानी कि ये इनका हमेशा बने रहते हैं, इस पर जो भी रहेगा उस समय तो इसके सदस्य हो जाएंगे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, ठीक है, योजना आयोग जो था उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, तो आप योजना आयोग जब गठित हुई थी तो उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा जी थे, जबकि अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी हैं। ठीक है, ये अंतिम उपाध्यक्ष जो है जब तक ये योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन, अब इसके बाद में जब ये नीति आयोग बना तो संयोग से इन्हीं को ही उपाध्यक्ष पुनः बना दिया गया था। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो अभी तक तो बात हम लोग कर रहे हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे इसके अंतिम उपाध्यक्ष, और पहले अगर बात करेंगे तो हमको कौन मिल जाएंगे, गुलजारी लाल नंदा जी मिल जाएंगे। और अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे योजना आयोग के तो डेफिनेटली उसमें जो प्रधानमंत्री था वही रहेगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसी तरह से नीति आयोग का अगर कहेगा तो नीति आयोग का एक तरह से कहिए कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो मोदी जी हो जाएंगे, मोदी साहब हो जाएंगे। और उसी तरह योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष
तो वो भी मोदी जी साहब हो जाएंगे, चूँकि उसमें वर्तमान समय वही थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आइए देखते हैं आगे की बातें देखते हैं। इसके बाद में 15 अगस्त की जो डेट है, 15 अगस्त 2014 की जो डेट है ये महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्पीच में उन्होंने कहा था कि मतलब अब योजना आयोग खत्म करके इसकी नई कमीशन का गठन किया जाएगा। तो वो प्लानिंग फिर उसके बाद में करते हैं और फिर वो नीति आयोग का गठन होता है। तो वही तथ्य है यहाँ पे, 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर एक नए आयोग के गठन की बात को कहा था, जो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा 1 जनवरी, महत्वपूर्ण है बच्चों, एक प्रस्ताव के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के नाम से गठित किया गया। क्या कहा था उन्होंने कि अब योजना आयोग अस्तित्व में नहीं रहेगा, योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाएगा। कब कहा था इन्होंने? 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से इस बात की उद्घोषणा की थी। फिर इसके बाद में इस पर कार्य होता है और कार्य होने के बाद में संसद के द्वारा ये पारित कर दिया जाता है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग के गठन की संस्तुति कर दी जाती है। ठीक, तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, ये नीति आयोग का गठन हो जाता है और इस संस्था को राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी का नाम भी थोड़ा अपने दिमाग में रखिएगा, तो थोड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि सबको नीति आयोग तो मालूम है लेकिन ये शब्द जो है ये थोड़ा भूलता है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन निदेशालय या संस्थान आप कह सकते हैं इसको, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, संक्षेप में इसे कहेंगे तो यही NITI बनेगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नाम दिया गया इसको, यानी नीति आयोग को आप समझेंगे। पूरी डिटेल की बात करेगा नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम है। ठीक है, नीति आयोग सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जिसे एक बौद्धिक संस्था के रूप में कार्य करता है, जो कि बताता है गवर्नमेंट को कि इस तरह से कार्य किया जाए तो थोड़ा बेहतर होगा। जो आप प्लान सोच रहे हैं, जो जिस मुद्दों को आप सोच रहे हैं विकास के लिए, वो इस पर अगर इस तरह से कार्य किया जाए तो बेहतर होगा। तो इसको कहेंगे आप किस तरह के रूप में नीति आयोग, किस तरह की संस्था है, तो थिंक टैंक के रूप में है, एक विचार बौद्धिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे आपको, बौद्धिक संस्था के रूप में कार्य करता है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर तकनीकी तथा रणनीतिक सलाह देता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, दोनों लोगों को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को क्या करता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर तकनीकी तथा रणनीतिक सलाह देने का कार्य करता है। यह पंचवर्षीय योजना के भावी स्वरूप आदि के संबंध में सरकार को सुझाव देता है, यानी कि क्या प्लानिंग आप बनाए हैं कि 5 वर्षों में आप क्या क्या कर सकते हैं, जो आपकी प्लानिंग है और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके आधार पर आप अगले 5 वर्षों में क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, उसका एक खाका उनको बना करके एक तरह से प्रेषित करता है। यही बात कह रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, देखिए इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन से लोग होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, हालांकि मुख्यमंत्री तो बहुत पहले से योजना आयोग जब था तभी से ही हुआ करते थे, 1967 से केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं वो भी इसके सदस्य बना दिए गए। तो वही बात है यहाँ पर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को नीति आयोग का अधिशासी परिषद, जिसे गवर्निंग काउंसिल कहा जाता है, इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया गया, यानी कि इस योजना आयोग में प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल वहां पे होते हैं, या कहिए उसको प्रशासक जो होते हैं वो भी इसके प्लानिंग कमीशन के मेंबर होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं। ठीक है, एग्जाम से क्वेश्चन बच्चों सब बिंदुओं से बन सकते हैं। अगला है, आगे टॉपिक है, नीति आयोग का स्वरूप योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय बनाया गया है। अब देखिए, पहले योजना आयोग था, मूल रूप से क्या, केंद्र को ज़्यादा तवज्जो दे करके चीज़ें बनाई गई थी, जहाँ तक कि कुछ पॉलिसी अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्पष्ट होगा, लेकिन इसको संघीय बनाने का प्रयास किया गया, यानी कि बहुत सारी चीज़ें राज्यों को भी दे दी गई हैं, यानी कि इसमें जो संरचना है, जो संघीय संरचना है वो भारत के संघीय एक तरह से संघीय व्यवस्था वाला देश है, तो यहाँ पर राज्य सूची के अलग विषय हैं, केंद्र सूची के अलग विषय हैं, तो वो संघात्मक बनाने का प्रयास, यहाँ पर यही कहने का सेंस है कि और अच्छा करने का प्रयास किया है, संघीय व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर नीति आयोग में योजना आयोग की अपेक्षा।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग में एक उपाध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रावधान किया गया है, ठीक है, और सीईओ की नियुक्ति पीएम करते हैं, यानी कि जो आपके सॉरी, तो एक उपाध्यक्ष और एक क्या होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये दो विषय जो हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इसमें से जो पद होते हैं वो तीन पद आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री महोदय का पद और एक उपाध्यक्ष का पद और दूसरे जो सीईओ इसके होते हैं, एक तरह से कहिए कि कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं, एक तरह से सरकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है, और जो सीईओ की नियुक्ति जो करते हैं वो प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अभी आपसे क्वेश्चंस मिलेगा कि जैसे अमिताभ कांत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वो क्या है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में है, ठीक है, तो नियुक्ति करता है। नवगठित नीति आयोग का उपाध्यक्ष अमेरिका स्थित, देखिए इस समय जो जब गठित हुआ था नीति आयोग, तो उस समय उपाध्यक्ष कौन थे, देखिए अध्यक्ष तो हमेशा जानते हैं, जो पीएम रहेगा वही रहेंगे, तो उनके बारे में आप हमेशा दिमाग में अपनी बात रख लीजिए। तो जब गठित हुआ था तो गठन के समय कौन उस समय प्रधानमंत्री सॉरी उपाध्यक्ष था और कौन उस समय वर्तमान सीईओ था, ये क्वेश्चन आता है, और इसमें वर्तमान में कौन है इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिएगा आप लोग, उस समय जब नो गठित किया गया था 2014 में, 2015 में जब अस्तित्व आया था 1 जनवरी 2015 में, तब वहाँ पर क्या हुआ था, उसके जो उपाध्यक्ष थे वो क्या था, उसमें जो अरविंद पनगड़िया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो जो कि अभी भी कार्यरत हैं, तो नॉन गठित समिति आयोग का उपाध्यक्ष अमेरिका स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया। तो देखिए कहने का यहाँ पे सेंस है कि अमेरिका में स्थित कोलंबिया जो विश्वविद्यालय था वहाँ के प्रोफेसर थे, ठीक है, वहाँ के प्रोफेसर थे अरविंद पनगड़िया, जिनको नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, पहले ये नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे, हालांकि इसके पहले वो क्या थे, प्लानिंग कमीशन के मतलब योजना आयोग के मतलब जो है उपाध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक ठीक है। जबकि योजना आयोग की के सचिव रही सिंधु श्री खुल्लर को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया था, ठीक है, जो कि पहले नीति आयोग में पहले योजना आयोग की सदस्य थी, उन्हें नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं वो राजीव कुमार हैं, ठीक है, इस समय कौन है, राजीव कुमार जी हैं, और सीईओ जो हैं आपके सीईओ जो हैं वो कौन है, अमिताभ कांत जी हैं, ठीक, ये बात जान लीजिए महत्वपूर्ण है। और कुछ सुधार भी किए गए, वो भी तथ्य थोड़ा ध्यान रखिएगा, 7 जून 2018 को नीति आयोग का पुनर्गठन करते हुए सरकार ने इसके पदेन सदस्यों की संख्या 5 कर दी है, जो कि पहले ज़्यादा थी, आपने 3-3-6 देखा था ना, और 1-7 सदस्य हुआ करते थे, तो उनकी संख्या 5 कर दी है, जबकि पूर्णकालिक ये पदेन सदस्यों की बात कर रहा है, तो पहले 3 पदेन सदस्य हुआ करते थे, जिसके बारे में भी बात की गई ना, जी तीनों वित्त मंत्री जो हुआ करते थे, सॉरी तीनों मंत्री जो हुआ करते थे, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, तो उनकी सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई है, लेकिन पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या के बारे में अभी कुछ मतलब आधिकारिक रूप से कुछ पुष्टि इसकी नहीं की गई है। तो ये तो आपका था नीति आयोग, जो कि इस रूप में आपका कार्य करता है। आइए अगले बिंदु पे भी चर्चा करते हैं हम लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या अस्तित्व है और क्यों गठन किया गया और ये क्या कार्य करता है, ठीक है। तो जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका गठन योजना आयोग जो हुआ करता था संस्था, उसी के साथ इसका भी गठन किया गया था बच्चों, उसी समिति के आधार पर, कौन सी समिति, केसी नियोगी समिति की सिफारिश के आधार पर ही इसका मतलब गठन किया गया था। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये मूल रूप से योजना आयोग के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करती है और उसको सलाह देती है, मशवरा देती है, और क्या क्या ग्रुप में कार्य करते हैं उसके बारे में भी आगे चर्चा करते हैं हम लोग। तो 6 अगस्त 1952 को केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा गैर सांविधिक, वही भी देखिए योजना आयोग भी गैर सांविधिक निकाय था, नीति आयोग भी गैर सांविधिक निकाय के रूप में रहे, तो गैर सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद, हिंदी में जिसे कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष तथा सचिव नीति आयोग के ही होते हैं, यानी कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष और सचिव होता है वही इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी अध्यक्ष एवं सचिव के रूप में कार्य करता है, ठीक है, यानी कि दोनों से रिलेटेड है।
प्रारंभ में केवल राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ही इसमें शामिल किया जाता। मैंने अभी जिक्र किया आप लोगों से कि शुरुआती दौर में जब गठित किया गया था तो उसमें केवल राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल किए जाते थे, लेकिन 1967 में सुधार करते हुए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके राज्यपालों को, यानी वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, LG होते हैं वहाँ पर, उपराज्यपालों को या कहिए प्रशासकों को इसमें स्थान दे दिया गया। तो 1967 के बाद से केंद्रीय मंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य और साथ में केंद्र शासित प्रदेशों के शासक, हाँ इसके साथ और भी थोड़ी सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं ये भी ध्यान दे दीजिएगा, केंद्रीय मंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य, यानी प्लानिंग कमीशन जो भी है, ठीक है, उस समय योजना आयोग था, इस समय नीति आयोग का, सारे मेंबर इसके सदस्य के रूप में रहते हैं, समझ रहे हैं बात को, सारे सदस्य नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं जो नीति आयोग के सभी सदस्य, ठीक है। यहाँ पूरी एक तरह से पूरा एक तरह से कई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नीति आयोग का वो सारे मेंबर्स इसमें ही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो होते हैं और इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका काम जो है वो मूल रूप से समय समय पर राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना है, ठीक है। क्या समय समय पर राष्ट्रीय योजनाएं जो क्रियान्वित की जा रही हैं उसका मूल्यांकन किया जाए कि एक्चुअल में जो प्लानिंग चल रही है क्या वो सही स्थिति में है कि नहीं है, हैं उसमें क्या विकास हो रहा है और कितने विकास की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो समय समय पर क्या करते रहते हैं उसके संचालन का मूल्यांकन करते रहते हैं, ठीक है। कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दूसरा इसमें और क्या महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे इसके और है, ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती है। किसके बारे में? आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण विषय है आपका, ये कार्य भी करती है वो, कौन? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला है राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों को की प्राप्ति के लिए सुझाव देना। किसकी की सुझाव देना? राष्ट्रीय योजना जो निर्धारित की गई हैं उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए एक तरह से कहिए सलाह देने का भी कार्य करती हैं, हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्योंकि सारे लोग उसी के मेंबर होते हैं, बस ये संस्था का नाम अलग है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये जांचने परखने के लिए एक तरह से कहिए मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई संस्था है, ठीक है। प्राप्ति के लिए सुझाव देना तथा राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना और प्रशासनिक दक्षता को सुधारना, इसका भी एक कार्य में इस आता है। अगला है नीति आयोग द्वारा तैयार की गई नीतियों का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के बाद उसको उसे अंतिम रूप प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, जैसे हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से हम लोग जानते हैं। और कार्यों में देखे जाए तो क्या कर सकते हैं बता सक इसके कार्य हैं, अल्प विकसित व पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक परियोजना का सुझाव देना तथा राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का विकास करना। ये तमाम सारे बिंदु जो थे वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के कार्य के रूप में रहे। तो आज हम लोगों ने चर्चा की नीति आयोग के बारे में, ठीक है, नीति आयोग के बारे में चर्चा की और हम लोगों ने बात करी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में चर्चा की। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किस रूप में कार्य कर रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो पूर्ण रूप से जो नीति आयोग अपनी नीतियाँ बनाता है ना, प्लानिंग जो करता है उसमें ही उपचारात्मक कार्यों को करने के लिए, या कहिए साथ में उपचारात्मक प्लस आप कर सकते हैं इसको निरीक्षण करने का कार्य, मूल्यांकन करने का कार्य करने वाली एक संस्था के रूप में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। इसका गठन करने का जो मूल मकसद रहा शुरुआती दौर में कि नीति आयोग के कार्यों का भी मूल्यांकन होना चाहिए, यानी योजना आयोग कोई प्लानिंग कोई कार्य कर रहा है क्या वो, अगर मान लिया जाए कोई प्लानिंग 1 ईयर के लिए बनाई गई तो वो कितना अपने आप कार्यों को अचीव कितना कर पाया, तो उसके लिए क्या बनेगा, कोई एक निकाय और कोई इकाई होनी चाहिए ना जो उसका मूल्यांकन करे। तो इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्यों का मूल्यांकन हो उसमें, और इसके जो तमाम सारे विषयों पे आप लोगों ने देखा कि योजनाएं संचालित हो रही हैं सही ढंग से कि नहीं, उनका मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं, उनका मूल्यांकन करने का कार्य कर रही है ना, इसके साथ साथ क्या कर रहा है, सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन की समीक्षा करके करना जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे विषयों को पर वो पूरी तरह से केंद्रित होकर के, यानी कि एक तरह से कहिए कि जो प्लानिंग की गई थी योजनाएं जो बनाई गई उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने
का कार्य और मूल्यांकन करने का कार्य, उन्हें मार्गदर्शन करने का कार्य करने वाली जो संस्था है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। क्योंकि इसके सारे मेंबर, जितने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, वो सभी मेंबर क्या हैं, उस समय जो योजना आयोग था उसके मेंबर थे। आज वर्तमान समय में इसका नाम नीति आयोग हो गया है, तो नीति आयोग के सारे मेंबर हो जाते हैं। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नीति आयोग को लेकर के और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर के कोई मतभेद आपके अंदर नहीं होगा, शायद सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों को, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आशा और विश्वास के साथ आप लोगों के साथ इस वीडियो को दो एक बार और देखिएगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसके बाद टेक्स्ट बुक अपनी पढ़िएगा, तो आपको वो बहुत सहज और बहुत सरल शब्दों में आप उसको समझ पाएंगे। इसी तरह से आप उसको कंटिन्यू, जो भी टॉपिक्स आप लोगों को सिस्टमेटिक वे से हम लोग बच्चों पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को हर चीज़ योजनाबद्ध तरीके से, जैसे प्लानिंग, सरकार अपनी योजनाएं बना करके प्लानिंग कमीशन जो गठित करता है अपनी योजनाएं बनाता है प्रत्येक वर्ष में हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोगों की जो कक्षाएँ प्रत्येक विषयों की जो चल रही हैं उसमें भी हम लोगों ने इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा है कि हर वो कक्षाएँ, हर विषय की कक्षाएँ एक सिस्टमेटिक वे से आपको मिलें। अभी तक आप लोगों ने ये जान लिया होगा, समझ में आ गई होगी बातें आपको, कि किसी भी विषय को हम लोग छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ा रहे हैं। हम लोग पूरे टॉपिक को, अगर चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश की कक्षाएँ हों, जो 5 सब्जेक्ट आप लोगों को अभी मिल रहे हैं, ये सभी कक्षाएँ आपको एक योजनाबद्ध तरीके से मिलना है। आगे के दौर में हम लोग देखेंगे कि हिंदी की कक्षाएँ भी आप लोगों को संचालित होने वाली हैं, कुछ एक दिनों में वो भी कक्षाएँ आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर रीजनिंग की कक्षाएँ भी आप लोगों को संचालित की जा रही हैं। फिर उसके बाद में ये कम्प्लीट होने के बाद में कोई भी टॉपिक कम्प्लीट होगा, फिर आप लोगों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह, साइंस टेक वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे करते हुए हर वो सब्जेक्ट जो भी उठाया जाएगा बच्चों संस्था के द्वारा, वो क्या किया जाएगा, पूरी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाया जाएगा। अभी मैंने अभी आपसे कहा कि जो आप लोगों ने इसका इतिहास देखा तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टमेटिक वे से है। अब आप लोगों को करना क्या है कि बस चरणबद्ध तरीके से सारी कक्षाएं देखते जाइए और कोई टेक्स्ट बुक उठाइए, कोई भी टेक्स्ट बुक उठाइए, आप उसको समझने में बहुत सरलता होगी। आगे चल करके आप लोगों को मेंस की भी कक्षाएं हम लोग उपलब्ध कराएंगे। हमारे जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो बच्चों आप लोग डरिएगा मत इससे। इसका मोटिव सिर्फ यही है कि आपको मेंस की भी कक्षाएं समझ में आने लगे, मेंस में लिखना कैसे है वो सारी चीज़ें भी उपलब्ध कराएंगे। अगर आप लोग साथ और सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित तौर से हम लोग आप लोगों को घर बैठे ही ऐसे संसाधनों को उपलब्ध करा देंगे जिसके लिए आप लोगों को बिना किसी धन के ही सारी चीज़ें, सारी स्टडी आपकी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे YouTube पे आप लोगों ने चैनल देखे होंगे जहाँ पर ऐसी चीज़ें आप लोगों को लगी होंगी कि पूरी कंप्लीट नहीं मिलती, लेकिन हम लोगों की जो योजनाएं हैं या सरकार की जो प्लानिंग है उसके तहत जो कार्य किया जा रहा है उसमें यही है कि आपको पूर्ण रूप से सारी चीज़ें उपलब्ध यहाँ पर मिलें, और जिससे कि आपका संपूर्ण विकास हो सके, केवल आप प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं अपितु आप मुख्य परीक्षा में भी सफल हों, और साथ साथ साक्षात्कार देते हुए आप अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएं। इसी आशा के साथ आज के वीडियो की समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद।